बिसमीम साउथ कोरिया का वीज़ा असल में मैंने पता है अप्लाई क्यों किया था मैं वीज़ा को छोड़े इसी लिए पता है मुझे क्यों शौक था साउथ कोरिया देखने का मैंने उनकी रेल गाड़ी बड़ी सुनी थी कि रेल गाड़ी बड़ी तेज़ बहुत है ना तो मैं रहती हूँ कराची में कराची में तो बस ही चल जाए चार पहियों पर खटारा किस्म की तो बहुत बड़ी बात होती है मेरे कपड़े भी फट चुके हैं बसों में वो कील में ना घुस के रक्शे में फट गए थे तो ये है कि मैंने तो इसलिए कहा तो कि है ऐसी गाड़ी रेल गाड़ी होती है यू जो होती है करके तो मैंने कहा तो यार मैं भी इसमें बैठूँगी यार सीरियसली वाकई कराची आके तो फिर वही देख रही है तो चलो कुछ दिन के लिए ही तो इसलिए मैंने अप्लाई किया था बड़ा मुझे शौक था देखने का कि हैं ऐसे भी मुल्क हैं कि जहाँ ट्रांसपोर्टेशन क्योंकि कराची में तो ट्रांसपोर्टेशन अल्लाह बचाए भाई अल्लाह माफ़ कर अब तो सड़कें भी ऐसी हैं कि यूं यूं बंदा जा रहा होता है लगता है ऊँट पर जा रहे हैं और मेरे तो जो है ना अंजार पंजार पूरा ढीला हो जाता है खड्डे गटर का पानी भिखारियों की फ़ौज कराची में अगर आप नहीं रहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है माशा से मेरे बचपन में कराची ऐसा नहीं था इतना वाहियात अब तो बिल्कुल ही इसका भेड़ा गर्क कर दिया मोहनजोदड़ो के लेवल पर ले आए मेरे ख्याल से सीधा तो कोरिया का अब अच्छा मैंने कहा कि मैं वो रेलगाड़ी मुझे सबसे ज़्यादा ये था कि जैसी मैं कोरिया पहुँचूँगी जैसी खाना हूं, खाना खा लूँगी ना सीधा रेलगाड़ी ये ऐसे बुलेट ट्रेन आए हाय 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 कि ऐसे वाकई होता है लेकिन हुआ ये कि वीज़ा मिला ही नहीं शुक्र है रिजेक्शन स्टैंप उसकी नहीं होती माशाल्लाह से ये सबसे ज़बरदस्त बात थी क्योंकि मैंने जब तीन चार दफा देखा वीज़ा नहीं है मैंने फिर देखी रिजेक्शन स्टैंप माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे तो नहीं लगी थी शायद इसलिए कि मैंने कोई आर्टिफिशियल वो पेपर्स पे नहीं किया था या मतलब जो भी दिया था औरिजिनल भले उस पर रिजेक्ट हो जाए तो ये हुआ था रेलगाड़ी रह गई अब वो आ, चलो कराची गई रक्षा चिंची और खटारा बसें देख के इसी को मैं समझ लूँगी कि बुलेट बस जा रही है डग डग करती हुई असलकम